ओम शांति। संगम युग पर स्वयं भगवान हम सभी को अपने सर्व खजाने देने आया है। भाग्यवान है वो आत्माएं और बुद्धिमान है वे सभी जो उनसे सर्वस्व प्राप्त कर लेते हैं, और जो अपनी बुद्धि को यहाँ वहाँ उलझाए रखते हैं वो खाली हाथ रह जाते हैं। चिंतन करें, भगवान भाग्य बांटने आया है, परम सुख देने आया है, शांति की शक्ति भरने आया है, वरदान दे रहा है। हम कहाँ हैं? ऐसा तो नहीं हम उसकी ओर से मुख फेरे हुए हैं, जन्म जन्म तो उसे पुकारते आए, हे प्रभु आओ, वायदे करते आए, आप आओगे तो हम ये करेंगे, केवल आपकी हिम्मत पर चलेंगे, सर्वस्व न्योछावर कर देंगे। और जब वो आ गया है तो उसकी ओर देखते भी नहीं, उसकी कम सुनते हैं। बाबा कहा करते हैं, बच्चे तुम मेरी कम सुनते हो, माया की ज्यादा सुनते हो। लेकिन नहीं, जिसने जन्म जन्म हमारी सुनी है, सुनवाई की है, अब उसकी हमें अवश्य सुनना है। उसकी सुनेंगे तो पुनः वो बारंबार हमारी सुनेगा, तो हम अब उससे सर्वस्व प्राप्त करने के लिए संसार से बुद्धि योग पूरी तरह निकाल दें। संसार में दो ही चीजें हैं, व्यक्ति और वैभव, और सभी आत्माएं इनमें ही अटके हुए हैं। कोई मनुष्यों के मोह में, तो कोई मनुष्यों से मिलने वाली परेशानियों में डिस्टर्ब हैं। किसी को सुख नहीं है, कोई वैभव के पीछे भाग रहे हैं, वैभव आगे आगे चले जा रहे हैं, वो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, वैभवों को ले भी नहीं पाते और इन तृष्णाओं को मिटा भी नहीं पाते। भगवान आ गया है, ठिकाना मिल गया है, मंजिल दिखा दी है, लक्ष्य सामने खड़ा कर दिया है, अब विचलित होने का समय नहीं है। अन्यथा ये दिन बहुत याद आया करेंगे कि भगवान सम्मुख थे, सर्वस्व देने आए थे, विश्व कल्याण का कार्य करा रहे थे, हमें अपना साथी बनाया था। वो खुद समर्थ होते हुए भी उसने हमें अपना साथी बनाया था, और हमने क्या किया? उसकी ऑफर को स्वीकार भी नहीं किया। लेकिन तब तो पछताने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि चिड़िया खेत चुग गई होगी, समय निकल गया होगा, हाहाकार का समय आ जाएगा, विश्व परिवर्तन का समय आ जाएगा, युग बदलेगा और सभी लोग उन्हें उन आत्माओं की ओर देखेंगे जिन्होंने स्वयं को सर्व खजानों से भरपूर किया है। तो स्वयं को तृप्त करने के लिए और विश्व सेवा के लिए अब चारों ओर से अपनी बुद्धि को समेट कर बेहद का वैराग्य धारण करें। वैराग का अर्थ सूखापन नहीं, वैराग का अर्थ है चारों ओर से बुद्धि समेटना, केवल एक में लगाना। दुनिया के जो आकर्षण हैं, चाहे वो देहधारियों की ओर हो, चाहे धन संपदा की ओर हो, चाहे पद पोजीशन की ओर हो, चाहे मान सम्मान की ओर हो, उससे स्वयं को बाहर निकालना है। इसको ही कहते हैं पूरी तरह बैगर बन जाना, सब कुछ एक पर स्वाहा कर देना, संपूर्ण आकर्षण एक में, सर्वस्व प्राप्तियां एक से करनी है। यद्यपि ये मार्ग कईयों को थोड़ा कठिन भी लगता है, परंतु इसका अच्छा अनुभव करना है, इसको सरल बनाना है, आज प्रैक्टिस करेंगे। ये संसार का खेल पूरा हो रहा है, 84 जन्म हमने बहुत सुंदर पार्ट बजाए, हम हीरो एक्टर रहे हैं,
अब सब कुछ छोड़कर और बाबा से सब कुछ लेकर हमें घर वापिस जाना है। तो आत्मा को जाते हुए देखेंगे, सब कुछ छोड़कर मैं आत्मा जा रही हूँ अपने धाम, और बैठ गई बाबा के पास, और फिर सतयुग में आएंगे पाठ बजाने देव स्वरूप। बहुत बहुत थैंक्स, ओम शांति।